हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और मैं हूं अली हसन। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड 61, क्योंकि अब अम्बा वापस आ गई है भाई। उसने बोला था मैं दूसरा जन्म लेकर आऊँगी, तो अब देखते हैं कि भाई मुकाबले सख्त होंगे, तो देखते हैं भाई। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये है चीज़, ये चीज़ कुछ ना कुछ से करती है, बहुत बड़ा राज है। गुरु जी आ गए। बड़ी बात गुरुदेव। विजयी बाबा, युद्ध के लिए सज्ज हो पुत्र? अवश्य गुरुदेव, जीवन का प्रथम युद्ध है। भय तो नहीं लग रहा? पहला युद्ध है और तुम्हें छोड़कर किसी पे विश्वास नहीं कर सकता पुत्र। ये क्या? एक पहेली है गुरुदेव। जिसे मैं सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक भी राजकुमार की मृत्यु ना हो, बंदी बना लो सभी को, तभी भीष्म आएगा तुम्हारे हाथ। असल मकसद भीष्म ही है। इतनी बड़ी फौज तैयार है उधर, 105 है। बड़ी बात दूर दे विजयी। कंधों पर बहुत बड़ा भार है क्योंकि तुम ज्येष्ठ हो, सबसे बड़े हो। विजय से मिलने वाला सम्मान तुम्हारा होगा और पराजय का अपमान भी तुम्हें प्राप्त होगा। युद्ध हो या राजनीति गुरुदेव, विजय सबकी होती है, पराजय केवल राजा की। यदि आपकी गुरु दक्षिणा देने में हमें सफलता प्राप्त हुई तो वो आपके 105 शिष्यों की सफलता ही होगी। किंतु हस्तिनापुर के सिंहासन पर तो 105 राजा नहीं बैठ सकते हैं भ्राता युधिष्ठिर। आपस में ना युद्ध करने आप इतने तात्पर्य तो आप समझ ही गए हैं। ये युद्ध केवल गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देने के लिए नहीं किया जा रहा है, वास्तव में ये युद्ध गुरु राजकुमारों और ध्रुपद के बीच है ही नहीं, मेरे और आपके बीच है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए गुरुदेव। आपकी गुरु दक्षिणा को हमारी योग्यता से जोड़ दिया, तब क्या आपको ज्ञान नहीं था कि ये युधिष्ठिर के प्रति पक्षपात होगा? इस योग्यता की परीक्षा को मैंने नहीं बनाया पुत्र, ये प्रश्न जाकर अपने पिता से पूछो। बिल्कुल। पर्सनैलिटी है भाई। बिल्कुल दन काम नहीं भाई। मेरे पिता के साथ धर्म के नाम पर बार बार छल हुआ है गुरुदेव, पर उसकी चर्चा मैं आपके साथ नहीं करना चाहता।
यदि मैं अपने पराक्रम से आपको गुरु दक्षिणा दूं गुरुदेव, तो आपको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य ये भ्राता युधिष्ठिर कि मुझे इस युद्ध में आपकी या आपके भाइयों की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। कोई जरूरत नहीं, अकेला ही काफी। इतनी पावर है, देखते हैं भाई। इस युद्ध में केवल कौरव भाग लेंगे। ये किस प्रकार हो सकता है? यदि केवल तुम युद्ध में जाओगे तो भ्राता श्री को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। कोई उपाय नहीं हो सकता भ्राता भीम। मुझसे आयु में बड़े हो ऐसे किसी को भी मैं इस युद्ध में भाग लेने नहीं दे सकता। मेरे 100 भाइयों के पराक्रम का फल तुम 5 को मिले, वो अन्याय मैं मान्य नहीं करूंगा। अच्छा, जाने दो भाई अकेले ही फिर दुर्योधन को। अर्जुन, नकुल, सहदेव चल सकते हैं युद्ध में, लेकिन सेनापति मैं ही बनूंगा और विजय मेरी मानी जाएगी। हमें ये मान्य नहीं। वो मेरा आग्रह नहीं था। गुरु दक्षिणा देने का कर्तव्य और अधिकार सभी शिष्यों का है। मैं गुरु दक्षिणा में आपको भी सहभागी मानूंगा अर्जुन, ये मेरा वचन है। फिर क्या चिंता है? वैसे भी गुरुदेव ने ध्रुपद को परास्त करने की गुरु दक्षिणा मांगी है। सभी राजकुमारों को भाग लेना होगा, ऐसा नहीं कहा? और यदि हम मान्य ना करें तो युद्ध में तुम द्रुपद की सेना पर दृष्टि रखोगे या मेरे भाइयों के शस्त्रों पर? पांचाल की सीमा पे गुरुवंश के राजकुमार आपस में युद्ध नहीं कर सकते दुर्योधन। इससे हमारे वंश और राष्ट्र का अपमान होगा। मैं तुम्हें प्रथम अवसर देता हूं, जाओ। बड़ी बात है भाई। विजय भव। ये चीज रिश्तर शुरू से ही ऐसे ही है, मतलब वो अंदर वाली चीजों को नहीं रखती। बात भी ठीक है भाई। चलो भाई, आप जाना चाहते हैं तो जाए, वो इनसे लड़ेंगे उनकी साइड। विजेता बनने की संभावना भी नहीं होगी। ज्येष्ठ, सहदेव तुम भी तो कुछ कहो। मुझे तो ये योजना योग्य प्रतीत हो। भागते नहीं है 105 का मुकाबला इतनों के साथ। आगे भी काम नहीं है, सेना है इनके साथ। अच्छा? शत्रु निकल
हथियारों पर वार नहीं होगा सेना अध्यक्ष, उन्हें केवल बंदी बनाना है। एक भी राजकुमार रणभूमि से लौट कर नहीं जाएगा। सिर्फ पकड़ना है, मारना नहीं। मुझे सारे राजकुमार जीवित चाहिए। खतरनाक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल भाई, अब देखा जाए तो भाई अब सबसे पहले जो वो फैसला लिया है ना दुर्योधन ने, वो उसने भाई ठीक नहीं लिया। बाकी फैसले ठीक हों या नहीं, क्योंकि फैसला तो ठीक नहीं है, लेकिन जो दुर्योधन बातें कर रहा था कि अगर आप उधर आए तो हमारे जो भाई हैं ना वो आप परिवार करेंगे ये, लेकिन उन्होंने भी अच्छा डिसीजन लिया कि हम इधर तो राजकुमार लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे तो ये हमारी एक बिस्ती हो। युधिष्ठिर की ये खूबी है कि वो मतलब ना दिल पे बात नहीं लेता, ये आप कह सकते हो। लेकिन भाई हम तो सेना देकर काफी परेशान हो गए कि दोनों तरफ ही भाई ये पीछे से सेना आ रही थी ना। बिल्कुल भाई, आगे तो हमने तो बोला था कि भाई बस वो ही लड़ेंगे, मतलब कि उधर से जिससे गुरु जी ने बदला लेना है अपना, और इधर से ये भाई। लेकिन वो एक चीज के ऊपर बार बार जोर दे रहे हैं कि जो भी है ना उनको शहजादों को मतलब हाँ बंदी बनाना है, क्योंकि आप फिर आएंगे भीष्म जी आएंगे और फिर उनको भाई जैसा कि उन्होंने किया था वैसे उनको भी करेंगे। लेकिन देखो भाई उनका ख्वाब ना ही पूरा हो तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हम नहीं देखना चाहते कि भीष्म जी ऐसे आए और ऐसा करें कुछ स्टेप राजकुमारों के लिए। बिल्कुल, ना आएगा वो तो कभी नहीं आएगा, तो भीष्मा जी आएंगे भाई काफी खतरनाक। हाँ, बिल्कुल इधर से टारगेट है उनका यही बिल्कुल जी। लेकिन उधर यार गुरु जी को फिर इस चीज का नहीं पता था कि ये मामला कैसे है, गुरु जी को नहीं पता था कि आगे वो जो जिनके साथ अब ये हो रहा है। गुरु तो जी ने बताया नहीं सब कुछ के, उसने गुरु जी के मतलब के पिता से सीखा है उसने भी, लेकिन ये कि उन्होंने भाई अंबा का नहीं बताया, वो अंबा का नहीं बताया, वो तो भाई बताया है गुरु जी के बेटे ने इस दुर्योधन को भाई, तो तभी वो इसीलिए आगे आया है। गुरु जी के बेटे को भी नहीं अंबा का पता, उसको सिर्फ सेनापति का पता है, वो ऐसा है। बिल्कुल भाई, लेकिन भाई देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में भाई देखेंगे कि क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। गुड बाय, टेक।